नमस्कार साथियों, हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष करना ही पड़ता है, यानी जिंदगी में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हर समस्या का हल है। यही है आज की कहानी का शीर्षक, यानी यदि हम ध्यान पूर्वक सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें, तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल ना निकाला जा सके। परिस्थितियाँ कभी भी जीवन में एक जैसी नहीं रहती हैं। जीवन के भंवर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दे। आज की कहानी यूं है कि पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वो अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वो व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता। व्यापारी ने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उसकी बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे, और दूसरा रास्ता ये था साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। साथियों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे ही मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है और हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। अखबारों में सुनने में आता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल, शांत और चलायमान। पानी को देखा है? पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। आगे देखिए, लड़की ने क्या फैसला किया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डालें, एक सफ़ेद रंग की तथा दूसरे काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। ये सुनकर साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब जब वो थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैली में डाल दी हैं। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वो करे तो क्या करे। साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो भी साहूकार दूसरी किसी चाल में उनको ज़रूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले में से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिटका दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ़ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोली उठाई होगी, और थैले में गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आह बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफ़ेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी तो क्या बोलता, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। साथियों, अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी ये सोच लेते कि हम शक्तिशाली अंग्रेज़ों से कभी नहीं जीत सकते,
तो शायद हमारा ये देश कभी आज़ाद नहीं हो पाता। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें, ये सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। और जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए, आपको समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।